महागठबंधन के जितने हम सब साथी यहाँ बैठे हैं सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। आज के दिन जो बाई इलेक्शन बिहार में होने वाला है, 400 केवल उसका जिक्र हम लोग करेंगे। इसी पे बोले इसी जिक्र के लिए किसी भी कोई नई आवाज नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अखिलेश जी से कह रहा हूँ कि आप सभी साथियों को जो महागठबंधन के होंगे उनके नामों की घोषणा अपने पत्रकार साथियों के साथ सामने करें। मित्रों, आदरणीय जगता बाबू ने जो बातें कही हैं उसके बाद मुझे केवल जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनका नाम घोषित करता हूं। इमामगंज से श्री रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से श्री अजीत कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव जी। राजू यादव जी सीपीआई माले के कैंडिडेट हैं। बाकी जो तीन नाम मैं ऊपर पढ़ा वो सब राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होंगे। धन्यवाद। देख ले लीजिए। रुइए पहले पूरा सबका हो जाने दीजिए ना। ले लीजिए एक इसको जी, थोड़ा नीचे चेहरा छिप रहा है, थोड़ा नीचे कर लीजिए, चेहरा छुप रहा है। अरे अब नहीं छुप रहा है, ठीक है, हो गया। मार भी देना है तो बोलिए सर। हाँ सर, आगे पढ़ो साथियों लोगों के सामने। बिहार के बड़े बड़े नारे भाजपा सरकार कर रही है और इन्होंने मोदी अभी तक नारेबाजी की, चाहे न्याय का हो, विकास का हो या सुशासन का हो, तमाम न्याय न्याय का नाम देख रहे हैं कि कहीं कहीं सड़क को लगाया जा रहा है, ताला लगाया जा रही है, कहीं मां काटा जा रहा है, तो कहीं किसी शरीर के रूप में प्रसाद किया जा रहा है, कहीं मुंह से करने के आरोप में हत्या की जा रही है, के साथ महिलाओं के साथ प्रदर्शन कर दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि विकास के नाम पर समय है। इस बार सूरत के पास और सरकार ने सबको दिखाया कि
जी आ रहा होगा या यहाँ के जो किसान खेती के लिए कर रहे हैं और पहले आप कागज पत्र को दुरुस्त कीजिए
जो बेघर हैं वो भूमिहीन है उनका वैकल्पिक व्यवस्था करें और ये जो हमारे जितने भी अपनी समस्याएं हैं इन समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए ये हमारे बिहार के शांति को बढ़ा रहा है बिहार यहाँ वो भी एकता का जा रहा है वहाँ ये अब सांप्रदायिक तनाव पैदा करके और चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहते हैं ऐसा हम नहीं होने देंगे बिहार के भीतर अब सीपीआई से अरुण कुमार मिश्रा जी अपनी बात रखेंगे उद्देश्य है कि कॉमनल पॉलिटिशन को आने वाले चुनाव में और बड़ा ही बेसर्दी के साथ भाजपा के नेता कहते हैं कि हमारा उससे कोई लेना नहीं और कह रहे हैं कि ये तो बस कौन लोग निकाल रहे हैं ये भी उनको पता नहीं लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ जो ये जहर हो रहा है पूरे समाज में उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए वो तैयार नहीं और ये जो सरकार भी है वो सरकार भी चीख चिल्ला तो रही है लेकिन उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे लोग जो समाज को बांटने का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं और अभी आपने देखा है कि भागलपुर में एक हंगामा खड़ा हुआ तो ये जो पूरी कोशिश है भाजपा की जो राजनीति है वो देश के लिए हमारे संविधान के लिए हमारे देश की एकता अखंडता के लिए यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही खतरनाक है इसलिए उसको पराजित करना ये हम सब लोगों का काम है और इसीलिए इस चारों सीटों पर जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है तो सेमीफाइनल में तो उनकी हार होगी ही फाइनल में भी उनकी बुरी हार बिहार में होगी और हम सब लोग इकट्ठे इस लड़ाई में शामिल हैं इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद बहुत धन्यवाद अब सामूहिक फोटोग्राफी सभी माननीय महागठबंधन के नेताओं का लिस्ट दिखाने का कह रहा है कि एक साथ दिखा दें दिखा दीजिए सब लोग अपना अपना निकालिए ले लो कागज